आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में हुई भूमि क्रय विक्रय घोटाले की निष्पक्ष जाँच सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में कराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। निर्देश अनुसार चूँकि पूरे भारत का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, राम जन्मभूमि का जो घोटाला जो चीज़ 2 करोड़ की थी उसे 5 मिनट में 18 करोड़ 8 गुना बढ़ा दिया गया है, तो वो किस कारण से बढ़ाया गया है, वो पैसा कहाँ गया है, वो पैसा कौन लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए आज हमारे पूरे प्रदेश में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि इसमें कहीं ना कहीं न्यायिक जांच का विषय है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम आदमी ने पैसे देकर, आस्था से अपनी पैसे देकर मंदिर निर्माण के लिए इन पैसों को इकट्ठा कर उन लोगों तक पहुंचाया है, और वो लोग चूँकि उनके वो लोग आदत से मजबूर हैं। बीजेपी हमेशा आदत से मजबूर रही है, वो भ्रष्ट सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको आदत है घोटाला करने की, और उन्होंने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, इसको भी घोटाले में लिप्त कर दिया है, जो चीज़ 2 करोड़ की थी। दलित उत्पीड़न व लव जिहाद के विरोध में बृहस्पतिवार को भीम क्रांति युवा संगठन समिति द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर लव जिहाद का पुतला दहन किया गया। जी आज भीम क्रांति युवा संगठन का अध्यक्ष आज हमने अपना पुतला घुकाया। आज बिंदास पे भीम क्रांति युवा संगठन समिति जिला सहारनपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार जी रामलीला मैदान ग्राउंड में सहारनपुर जिला मानसिकता वर्ती याद करी क्या चाहते चाहते कि हमारे जो बलात्कार कानून कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बृहस्पतिवार को सहारनपुर में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर उन्होंने कहा है कि व्यापारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, अन्यथा व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। समाजवादी व्यापार सभा, आज हम एक ज्ञापन राज्यपाल जी के नाम देने आए हैं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर। जब से कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का कार्य किया था, उसमें जितना भी इसका फ़ायदा हुआ, जितना भी लोन वगैरह हो मिला, वो सारे कारपेट घरानों को मिला। और आज हम ये मांग लेके आए हैं, एक तो सरकार जितने भी व्यापारी हैं गरीब कोरोना काल से पीड़ित हुए हैं, छोटे व्यापारी मझोले व्यापारी, उनको सरकार की तरफ से जो हैगा लोन दिया जाए, और जिस पे छोटा लोन हैगा उन्हें बैंक वालों की रिकवरी बंद की जाए, जिससे बैंक वाले तुरंत एकदम उनके ऊपर अभी एकदम हावी ना होए, क्योंकि बैंक वालों। सहारनपुर के PWD गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष साधुराम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर RP सिंह अम्बेडकर ने बैठक को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी सेक्टर में दे सकता चाहे प्राइवेट सेक्टर में दे, परंतु स्थायी रोजगार की हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इस बात गरीबों के घर से रसोई से सरसों का तेल गायब हो गया है, जो तेल कभी खाने का तेल कड़वा तेल रिफाइंड वगैरह जो 100 के नीचे रहता था, आज वो 200 के ऊपर है, 220 को रोकने के मामले में फेल हो गई है। पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, खाद्यान्नों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं,
हवाई टिकट, रेल टिकट, बसों के टिकट आपने महंगे कर दिए हैं। तो महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। रसोई गैस जो 400 का सिलेंडर आता था वो अब 800 के ऊपर आ रहा है, तो इस महंगाई से तबाही हो रही है। तो सरकार इस तबाही को रोके और पूंजीपति के अंदर एक समान शिक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। हमारा एजेंडा वाले कानून है, कृषि कानून, इनको सरकार तुरंत रद्द करे और किसानों से वार्ता करे और नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले इस पे व्यापक विचार विमर्श हो। देवबंद नगर पालिका परिषद की उदासीनता के चलते क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। देश और दुनिया में कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों ने तांडव मचाया हुआ था, मगर अब केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयास से हालत सामान्य हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर पालिका परिषद देवबंद महामारी के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। ऐसे में नगर पालिका परिषद देवबंद की लापरवाही के कारण इस तरह गंदगी और कूड़े के ढेर होने के कारण बीमारी दस्तक दे सकती है। कूड़े के ढेर, ये तो ये देखे साहब, यहाँ तो रोज ही अजाल है। 11 बज्जा, 12 बज्जा, 1 बज्जा कोई कूड़े ठाने वाला नहीं है। और कोरोना जैसी महामारी के चलते जहाँ सरकार कह रही साफ़ सफाई का ध्यान रखो, यहाँ गंद मचा हुआ है। और हमारे सभासद साहब कोई ध्यान नहीं है वार्ड नंबर 14 पे, ना नगर पालिका की तरफ से कोई साफ़ सफाई का ध्यान है। और बस यही कहते हुए दरख्वास्त है जिम साहब से कि साफ़ सफाई का ध्यान रखे, कोरोना जैसी महामारी से बचा जाए। और बस यही कहूँगा, इतना ही कहूँगा, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।